कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हम संचालक मेरे भाई सूरज जी, वक्त कम है इसलिए मेरे साथ मंचों पर उपस्थित तमाम बड़े और छोटे लोगों से मेरा निवेदन पूर्वक कहना है, छावे में अपार भी मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप लोग ने इतना बड़ा प्यार मुझे देंगे। मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं आपका आभार व्यक्त कर सकूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं अभिनंदन कर सकूं। भाइयों, नाता को छोड़िए, अपने बेपर के मुझे क्या बोलूं क्या ना बोलूं, ये मेरे दिल दिमाग में उलझन सा हो गया है। भाइयों, मैं अपना सिर्फ दो लाइन में अपना शांति बना रखेंगे। बंधु, सैकड़ों बीघा जमीन जोतने वाला का मैं पोता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहा था कि न जीवन में कभी गलती करना न डरना भगवान से, पति कर करके मुझे इस मार्ग को पाया। मैं घर से कर सकता हूँ, एक एक बच्चे जो मेरे समाज में पंचायत स्तर पर जो बच्चे हैं वो उनके द्वारा वो काम होगा, उनको रोजगार देंगे। मैं एक संकल्प लिया हूँ कि डॉक्टर एपी सिंह चिकित्सा महाविद्यालय शैली बेली मैं हो, मैं रहूं या ना रहूं, आप तमाम लोगों का वह नेपाल मेरे बगल में है, उनको चिकित्सा का कम से कम सेवा मिले। मैं आनंद के दरबार में एक पर्यटन स्थल बनवाने का सरकार से समझी कि अंतिम सांस तक लड़कर करके उसको बनाऊंगा। दूसरा, बासोपट्टी में मैं 15 साल पहले टूर्नामेंट कराने और आशीर्वाद है कभी किसी के पास में हाथ नहीं फैलाना, जो दे सकते हो दोगे, दानी बनना, और यही मेरे लिए तुम्हारा पुण्य का काम होगा। इसलिए मैं उस पिता का इस वचन को याद करते हुए आप लोगों को स्वस्थ करना चाहते हैं कि मैं कभी कमीशन का कई विषय खा कर करके अपने संतान और परिवार के विनाश में नहीं लगा। एक बार विश्वास का रिश्ता किया, मैं कभी निराश नहीं करूंगा, मैं हलवा पूरी खिलाऊं या ना खिलाऊं, एक गिलास पानी लेके हर वक्त आप लोकतंत्र में आप लोग मालिक हैं। हजारों आदमी, ये 5 वर्ष का जो पर्व आता है, हर एक 5 वर्ष का, मैं इसके लिए 2 शब्द आप लोगों को कहना चाहूँ, ये 5 वर्ष आपको इंसाफ करने के लिए मौका मिलता है। इंसाफ किस चीज का? आपने जिसे विश्वास व्यक्त किया, आपने जिसे मत दे करके भेजा, क्या आपके तरह आपके लिए समाज के लिए क्या वो सही रूप से आपके सामने आया? आया तो हाथ उठाइए, आया तो हाथ उठाइए, नहीं आया तो उसको विदा कर करके दम लीजिए। यही समझिए कि 5 साल का आपका समझिए जवाब। जब तक हमारा समाज जात में, धर्म में और पार्टी के उलझन में बसे रहेंगे, तब तक आपको कभी इंसाफ नहीं मिला, आपके बात को सुनी नहीं कर सकते। इसलिए ये 5 वर्ष के बाद घर में जा कर के रोड पर बोलने से ये नहीं होगा, इसने समझिए भ्रष्ट है, इसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। यदि नहीं किया तो संकल्प पूर्ण सांस तक आपके लिए, आपके न्याय के लिए, आपके समाज के लिए, आपके विकास के लिए। भाइयों, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, सीमा बना हुआ, इसलिए एक बार, सिर्फ एक बार विश्वास कीजिए, मैं कुछ करूं या ना करूं, आपके साथ आपके दिए हुए मत का कलंकित नहीं, एक बार विश्वास कीजिए।
कोई कि आपका हक आपका सम्मान और अधिकार के लिए मैं अपने प्राण की आहुति देनी पड़ेगी तो दूंगा, लेकिन एक बार विश्वास कीजिए भारत माता के चौली विधानसभा के प्रतिनिधि का पहला काम बनता है कि जनता की जो असुविधा है उस असुविधा को कैसे प्रथम आप उसको निवारण करते हैं और जनता के प्रति जो शपथ खा कर करके सेवा भाव से आते हैं तो पहली प्रतिनिधिता उनकी सेवा है, उनकी असुविधा को दूर करना जनप्रतिनिधि का पहला फर्ज बनता है और विकास के पैसा जो आते हैं उसको समुचित ईमानदारी से भ्रष्टाचार लुटेरे से बचा करके समाज के विकास में लगाना पहला ही है। और जो आप लोगों ने जिस चीज के लिए मुझे बात किया है, जो अपार ही ने मुझे सम्मान दिया, तो सम्मान जो पाना हो तो आपको सच्चाई और विकास के रास्ते पर चले तभी आपको सम्मान बरकरार रहे। और जो आज मुझे लोगों ने सम्मान दिया, शायद मैं अपने कतरे कतरे खून का इशार देकर के भी अदा नहीं कर सकता, मैं इससे ज़्यादा आप लोगों का भी कुछ नहीं कर सकता। ये वक्त आएगा यदि मुझे चांस मिला, मुझे छुला गया, तो मैं इसके बाद आपको अपनी सही बात बताऊँ।